आइए देखते हैं क्या कहा राष्ट्रपति ने, ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब बात करते हैं हाफिज सईद की। हाफिज सईद ने एक हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते मजबूत होते दिखाई देते हैं, हाफिज सईद के बयान सामने आने लगते हैं। क्या हाफिज सईद ने चाबी पाकिस्तान की आर्मी भर्ती है? ये सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करना होगा। लेकिन पाकिस्तान में यह जो आजाद घूम रहा है, मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद, उसने फिर से एक चुनौती दी है। ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर भारत को चुनौती देते हुए कहा है कि कयामत तक नहीं जुटा पाएंगे सबूत। ओह, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, सुषमा को जवाब मैं देता हूं और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। यह है 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, लेकिन इसकी जुर्रत तो देखिए। पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है, खुलेआम उलूल जुलूल बयान दे रहा है। अब तक वो भारत को गीदड़ भभकी दिया करता था, अब वो मुंबई हमले को साबित करने की खुली चुनौती दे रहा है। आतंकी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर ललकारने वाले अंदाज में कहा कि भारत कयामत तक मुंबई हमलों को साबित नहीं कर पाएगा। ओह, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, सुषमा को जवाब मैं देता हूं और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। हाफिज यही नहीं रुका, एक और ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। दूसरे ट्वीट में उसने लिखा कि भारत मुंबई हमले का सबूत देने में नाकाम रहा। दूसरी ओर मोदी ने खुद ही 1971 को सबसे खतरनाक आतंकवाद के बारे में कबूल किया है। हाफिज का यहां 1971 के आतंकवाद से मतलब है बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध से, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। दरअसल मुंबई हमला और हाफिज सईद पाकिस्तान की दुखती रग है। जब इस पर सवाल दागे जाते हैं, पाकिस्तानी नुमाइंदे इससे बचते दिखते हैं। एजेंडा आज तक में इमरान खान और पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से जब मुंबई हमले के गुनाहगारों पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे गए, तो देखिए दोनों का जवाब क्या था। तो ये एक अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर और प्रॉब्लम है कन्विक्ट करने का। विटनेसेस नहीं आते सामने, अपने नाम लिए लोगों के। देखें, हम आपको मतलब पाकिस्तान से आपको कहें जी ये 4-5 नाम है, इनको कन्विक्ट करें, आपको फिर भी अदालत में ले जाना पड़ेगा ना, अदालत में कन्विक्ट करना पड़ेगा। एक मसला है, आप जानते हैं कि 2009 में हमने 7 मुलजिमों को पकड़ा, अभी उन पर मुकदमा चल रहा है, उसमें बहुत सी रुकावटें थीं और अभी भी हैं, और उसके लिए हमारी ख्वाहिश है कि तमाम इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए हम इस मुकदमे को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के इस बयान को भारत और पाकिस्तान में शुरू हुई बातचीत को लेकर भी देखा जा रहा है। सवाल एक ये है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते मजबूत होते हैं, तो क्यों हाफिज सईद अपना राग अलापने लगता है? क्या यह चाबी पाकिस्तान की फौज आईएसआई भरती है? और अगर यह चाबी भर रही है, तो फिर इन बातचीत का कोई तर्क है?